हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप? और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक इवेंट में आया हूँ, धीरू भाई अंबानी नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिकेशन कॉलेज में आया हूँ, और जहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस वजह समय रहना आया था जो कि मुझे देखना था पर मुझे नहीं देख पाया। फिर आज विशाल मिश्रा आ रहे हैं, फिर सचिन जिगर, जोनीता गांधी और ये सब हमारे डीजे वगैरह आ रहे हैं। और एक अधिक अच्छी बात यह है कि मेरे पास पास है इसका, तो मुझे जिसने भी ये पास दिलवाया तो थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया करता हूँ उनका। और अभी मैं अंदर जाऊँगा और 3:30 बजे मेरा पोइट्री का कॉन्सर्ट है, मतलब मैं पोइट्री का परफॉर्म करूँगा जो कि मुझे बहुत पसंद है करना। तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है, तो मज़ा आ गया तो चलो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ क्या कैसा है। और ये धीरूभाई अंबानी कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, और उस फेस्ट और मेरे साथ है, क्या नाम है तेरा? सत्यम। हाँ सॉरी सत्यम। फाइनली कॉलेज के अंदर एंट्री, और उधर है हमारा स्नैप का सबसे पहले लगा हुआ है, अभी देखते हैं। और इसके बाद हमें कैफेटेरिया में जाना है कि जो मेरा परफॉर्मेंस है वो कैफेटेरिया में ही होगा, तो चलो आओ भाई जल्दी भाई। और ये स्टेज सज रहा है, विशाल मिश्रा का कॉन्सर्ट होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है इधर। इस तरीके की बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है पूरे कैंपस में। आते हैं तो ये तैयारी चल रही है स्नैप्स की, और आप स्टूडेंट हो और क्या, तो आपको तो करना पड़ता है, जब हम भी स्टूडेंट हैं तो हमें भी करना पड़ता है। चलो चलते हैं अंदर। और पोइट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ पे हो रहा है? पोइट्री ये कितने की वाली? 2,50,000 की। 50,000 का 200 cc। आईफोन के बाद यही लेना। ड्राइव करते हैं, आ जाओ बैठो सत्यम भैया, चलाओ यार। इसकी सीट ऐसा लड़कों के बैठने के लिए ही है या इजीली है सिर्फ लड़कियों के लिए? इधर आप पीछे बैठोगे ना तो ये बैंकर भाई साहब, पहली बार केटीएम खुला रहा, वाह मजा आ गया। सत्यम भाई क्या फायदा इतनी महंगी बाइक का जब पीछे बैठने वाली कोई ना हो। कोई बात नहीं भाई, वो भी आ जाएगी, बाइक आ गई तो चेक करी तो मजा आ गया। और हमारे पास ये भी रहती है, इसकी भी करेंगे, अभी लेट हो रहे हैं। ये क्या है? ड्यूक 250। और वो वाली कौन सी है? अरे यार ये भी बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये गांधीनगर KTM है, अगर आपको KTM बाइक लेनी है तो एक बार आ सकते हो। और जतिन भाई ये क्या कर रहे हो? अरे यार पोइट्री का भी वो है ना फंक्शन, कॉन्सर्ट है पोइट्री का, तो अभी उसकी प्रैक्टिस। अच्छा सही है सही है, कंटिन्यू। आप सब लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो ना? है ना? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ ना, कॉलेज बंद करना आसान होता है ना, मैं ऑफिस बंद करके आया हूँ, तो एक बार ताली बजाओ मेरे लिए। तो ये मेरे कॉलेज की कहानी है, मैं कॉलेज में आया तो कुछ कॉलेज से रिलेटेड सुनाता हूँ। तो होता क्या है कि जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें लड़कियाँ पसंद आती, लड़के आती है ना? अरे कैसे लड़के हो तुम लोग, लड़कियाँ पसंद नहीं आती? हाँ थोड़ा तेज आती है तो ठीक है। हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो हमें लड़कियाँ पसंद आती हैं, पर होता क्या है दिक्कत कि हम उसे कह नहीं पाते, हम बता नहीं पाते, तो उसी पे लिखा था। अरे आप लोग थोड़ा शांत रहिए। अरे एक्सक्यूज मी मैम, यार बड़े दिनों आज परफॉर्म करना अच्छा नहीं लगता, सॉरी। तो होता क्या है कि जब मैं कॉलेज में जाता था तो एक लड़की पसंद थी और मैं उसे बता नहीं पाता था, तो उस पे लिखा है कि काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ, पगली तेरे ही लिए तो मैं कॉलेज आता हूँ, और कॉलेज में आके तेरे पीछे वाली सीट में बैठ के अपने दिल से यही गुनगुनाता हूँ, काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ, कहना तो चाहता पर कह नहीं पाता, बस एक मौके का इंतजार होता है, पर पगली तू कभी अकेले नहीं होती है, चल छोड़ मैं तुझे भूल जाता हूँ और अपने दिल को यही समझाता हूँ, प्यार प्यार दो का है पढ़ ले बेटा मौका है, तेरे साथ जिंदगी तो नहीं बिताना चाहता पर कुछ पल ऐसे बिताना चाहता हूँ जिसे याद रख के पूरी जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूँ, काश मैं तुझे बता पाता मैं तुझे कितना चाहता हूँ। बजाओ यार ताली बजाओ। और भी ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आपको रियलाइज होता है कि ये सब है ना फालतू बातें हैं, आप ही बेस्ट हो अपनी लाइफ के, तब लिखा था समझ रहा हूँ दुनिया की रीत। अब पहली बार अपने लिए लिखा था समझ रहा हूँ दुनिया की रीत, खुद से एक कर लो प्रीत, ढेर चाल तो सब चलते हैं, शेर चाल में ही है जीत, जीत 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 कुछ करके दिखा दे,
इस दुनिया में इतिहास से रचा दे, इस भीड़ में तू अपने आप को अक्सर खोया पाएगा, चांद के बाद ही तो सूरज आएगा, अपने आप को पहचान, अपनी किस्मत को बदल, हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होने वाला, जितनी तेरी भूख है तू उतना खाने वाला, अपनी भूख को बढ़ा, शेर है बेटा धार के दिखा। थैंक यू वेरी मच। मेरी दुआ रहेगी भगवान से कि आप जिसको चाहते हो वो आपको मिल जाए। तो मजा आता है माइक और स्टेज में, तो मजा आया। और अब दोबारा से बाइक की राइड ले रहे हैं यार, तीन बाइक है, एक की ले लिए, एक बाइक की और राइड लेते हैं। अरे यार इतनी बढ़िया बाइक है यार, कितने की है भाई? 3 लाख रुपए की। अरे वाह यार, क्या जॉब करते हो ऐसी, 3 लाख की बाइक अफोर्ड कर ली? हाँ यार, मैं वो बैग वगैरह में चैन लगाता हूँ, चैन वाले बैग की, पैंट की, जींस की चैन ठीक करा ले, चैन वाले भैया आपको करानी 10 रुपए की? हाँ, मेरे अंडरवियर की चैन ठीक करानी है, करोगे? कैसा कच्चा है अंडरवियर की चैन है तुम्हारे? हाँ भाई, धुला या गंदा? अरे कर दो भाई, कर दो, धुला या गंदा? गंदा दो भी देना, गंदे अंदर भी यार। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया 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 बहकी सभी जुबान, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अभी क्या है, मोनो एक्ट हो रहा है और उसमें मैंने पार्ट ले लिया है, तो मैं मोनो एक्ट करूंगा जो मैं अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम में करता था। एक छोटा सा एक्ट बना रहे हैं, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं इधर, और अभी 10-15 मिनट में मेरा चांस आने वाला है। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है चीज़ें, पर मजा आएगा, देखते हैं। स्टेज में तो जाऊंगा ना एटलीस्ट, और करके ही आऊंगा फिर। सत्यम ठीक है, चले ग्रेट टू गो, नहीं गुड टू गो, गुड टू गो, गुड। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी। बेटा गलत बंद कर दे, सॉरी पापा, सॉरी गलत बंद कर। अरे अरे पापा भी थोड़े से पानी पी, कितना रोते। हाँ हाँ रोता हूँ, तुझे पता है कितना कीमती होता है ये पानी? क्या कीमती पानी, थोड़ा सा ही तो पानी है। इधर आ जा, इधर आ, तुझे पता है कि लाइफ में क्या करना है? मुझे लाइफ में क्या करना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता बाबा। अबे कुछ करने के दिमाग होना चाहिए तेरे पे, है क्यों नहीं है पापा? आपका बेटा हूँ, दिमाग तो होगा। नहीं है तेरे में तो मतलब आप में भी नहीं है, बस वही फालतू बातें करवा लो। तो अभी प्ले हो गया, तो खाना खाने आए हैं। कितने रुपए की है भैया थाली? 60 रुपए। 60 रुपए की, तो बहुत टेस्टी लग रहा है। क्यों भैया, अगर मैं रेगुलर आ जाऊँ इधर, कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मिलेगा? हाँ, गेट से एंट्री लेने का जवाबदारी आपको है। अच्छा अच्छा, आप हमारी जान।